नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एलियंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, तथा पास में देगी घंटे को जुटवाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, इसी के बाद अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप एक बात सोचिए, इस ब्रह्मांड में हमारा सौरमंडल एक छोटा सा सौरमंडल है। इसमें 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक पर तो जीवन है व दूसरे पर होने की संभावना है, यानी मंगल। तो सोचिए, इस ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल होंगे, कितने ग्रह हैं, कितनों पर जीवन होगा। ये बात तो पक्की है कि हम इस ब्रह्मांड पर अकेले नहीं हैं। इस बात का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है कि वो सभ्यता हमसे विकसित है या पीछे। तो दोस्तों, जो अगली बात यानी दूसरी बात है वो यह है कि अगर मैं है तो अंते क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब भी है मेरे पास। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि यहाँ पर UFO देखेगी, वहाँ पर UFO देखेगी, लेकिन उस पर न तो कोई सरकार बोलती है, न ही नासा, मीडिया बोल बोल कर थक जाता है। एक बात और सोचने वाली है कि मोबाइल के कैमरे इन UFO की वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर नासा के जो इतने बड़े बड़े धरती के बाहर सैटेलाइट लगा रखे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, वे लड़ साले। तो दोस्तों, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि नासा हम सबका चूतिया काट रही है। मेरे हिसाब से तो नासा एक नंबर की छोड़ो। पर रुक जा बेटा नासा, अब तेरा टाइम आ जा रहा है। अब तेरा बाप आएगा इसरो, जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सारे पर्दे खोलेगा इस ब्रह्मांड के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा पास में देखिए घंटे को जुड़ दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है तो सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब करने, वरना चैनल ना करना। दोस्तों, अभी मेरे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है, सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी आपको अभी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।